नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुमार फूड ईटिंग शो में। आज मैं आपके सामने लेकर मैं नई वीडियो में क्या लेके आया उसको दिखाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख सकें और अपना प्यार मेरे को ऐसे ही देते रहें, बनाए रखें। तो आइए दिखा दें क्या लेके आए हम आपके लिए आज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी आज थाली है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो एक एक करके बताते हैं क्या क्या है इसमें। हमने लिया है राइस, प्लेन राइस है, साथ में हमने ली है दाल, ये हमारी जो दाल है ये चने की दाल है, साथ में हमारा है चिकन, चिकन करी, ये हमारी है आलू मूली और उसके पत्तों की सब्जी या भुजिया कह सकते हैं आप, बहुत कम मसाले में। ये हमने पापड़ लिया है एंड फ्राइज ली हैं, साथ में हमने लिया है प्याज, सिरके वाला प्याज एंड ये है आलू का चोखा। तो यही आज हम ट्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे और आप बताइएगा कैसा लगा आपको, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो ये दोस्तों जैसा बताया था ये चने की दाल है, वो बनाइए सिंपल, काफ़ी अच्छी लग रही टेस्ट में, तो आइए ट्राई करते हैं इसको। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, ट्राई करते हैं अपने प्याज के साथ। तो टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे, अब हम ट्राई करते हैं चिकन, ये हमारा चिकन करी है, जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो मेरा बेटा है बहुत शैतान है आ जाता बीच में, जैसा दादा ये हमारे हैं आलू और मूली, और मूली के पत्ते होते हैं उसकी भुजिया, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं है, काफ़ी कम मसाले बनाए हुए, और ये हमारा आलू का चोखा। चिकन है हल्का सा स्पाइसी है, बताओ टेस्ट में अच्छा लग रहा है।
तो दोस्तों आपने देखा जो खाना था सारा फिनिश हो गया, बहुत ही टेस्टी था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिस सबसे पहले आपके पास आए। आने वाली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।